Drop the bell. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो मेरे दोस्त डॉक्टर सागर के साथ। हाय। तो आपने देखा ही होगा कि हम ये वीडियो किस बारे में बनाने जा रहे हैं। बोर्ड देखकर तो आपको अंदाज़ा ही आया होगा कि ये वीडियो शेगांव कचौरी के बारे में ही होगा। तो दोस्तों, जैसे कि शेगांव में बहुत सारी चीज़ें फेमस है, उसी तरह शेगांव में शेगांव कचौरी ये वाली चीज़ भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, देखेंगे कि आज शेगांव कचौरी सच में कैसी लगती है और उनके ओनर से भी हम बात करेंगे और उनकी भी और डॉक्टर सागर की भी राय जानेंगे इस बारे में कि सच में शेगांव की यहाँ की कचौरी कैसी है, क्या है, क्योंकि क्या इसकी विशेषता है, क्योंकि डॉक्टर सागर ही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं पिछली बार की तरह। तो चलिए, तो आज हम ओनर से बात करेंगे, उनका नाम जानेंगे। पहले सर, आपका नाम? मेरा चेतन शर्मा। ठीक है सर। सर, आपका ये जो शेगांव कचौरी नाम से जो आपका शेगांव में स्पॉट है, ये कब से है? ये ऐसा कचौरी का बिजनेस तो 1950 से हमारे दादाजी ने शुरू किया हुआ है और यहाँ पर 2011 से शॉप है। इसके पहले अपना रेलवे स्टेशन पे कैंटीन थी और यहाँ पे 2011 से स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये शिवाजी चौक के अंदर अपनी दुकान है, तीरथराम करमचंद शर्मा शेगांव कचौरी सेंटर नाम है दुकान का। और एग्जैक्ट ये जो दुकान है, इसके ऊपर खामगांव अपना बुल्ढाना अर्बन बैंक और सामने खामगांव अर्बन बैंक है। शिवाजी चौक एरिया का नाम है ये। तो ठीक है दोस्तों, रोड पे। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने इनकी लोकेशन आपको बताई है, तो आज देखेंगे हम कि शेगांव कचौरी कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेगांव कचौरी तलना चालू है। इनकी आप चक्की भी देख सकते हैं जिनमें इसकी चटनी तैयार होती है। उसके साथ कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें बेसन, मैदा और जो सांभर हरा भरा जो सब्जी भाजी वाला होता है जिसमें मसाला तैयार किया जाता है, ये भी करते हैं, इसमें डालते हैं। दोस्तों, इस कचौरी के बारे में हम लोगों की राय भी जानेंगे कि उनको ये कचौरी कैसी लगी। सर, आपको ये शेगांव कचौरी कैसी लगी? एक नंबर। ठीक है। आप डेली ये खाते हैं? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको ये शेगांव कचौरी कैसी लगी। चलो, तो सर आपका इस कचौरी के बारे में क्या कहना है? बहुत फेमस कचौरी है शेगांव की। अच्छा, आप डेली खाते हैं यहाँ पे? हाँ, डेली खाते हैं। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। चलिए, तो अंकल आपको ये कचौरी कैसी लगी? अच्छी लगी कचौरी। तो आप कब से ये कचौरी खाते हैं? मैं 2-3 साल हो गए। अच्छा, यानी जब भी आप शेगांव होते हैं यही की कचौरी खाते हैं? यही की कचौरी खाते हैं। ठीक। तो दोस्तों, हमने लोगों की इसके टेस्ट के बारे में राय ली है और हम खुद भी देखेंगे कि इसकी टेस्ट सच में कैसी है। तो चलिए, दोस्तों हमारी शेगांव कचौरी आ चुकी है, तो इसकी टेस्ट हम डॉक्टर सागर के साथ देखेंगे कि कैसी है। तो चलिए, लो आप भी लो। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो चटनी देते हैं, ये चटनी शेगांव में और कोई भी नहीं देता। सच में मैं शेगांव बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इस एरिया में मुझे इनकी कचौरी अच्छी लगी।
डॉक्टर सागर, आपका भी क्या कहना है इस कचौरी के बारे में? कचौरी बहुत बढ़िया है, टेस्ट सबसे अलग है। देखी सब जगह की खा के, लेकिन ये टेस्ट सबसे अलग है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मिर्चियाँ इन TR शर्मा यानी इनके कचौरी सेंटर पे ये जो मिर्चियाँ हमें देते हैं, ये मिर्चियाँ तीखी नहीं होती। आमतौर पर सब जगह आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्चियाँ है सबके सब तीखी देते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा इशू नहीं है। इनकी जो मिर्चियाँ है वो बहुत अच्छी है। तो जैसे कि दोस्तों हमने कचौरी टेस्ट करके भी देखी, अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस कचौरी को 5 में से 5 रेटिंग देना पसंद करूँगा, और हमारे दोस्त डॉक्टर सागर से भी पूछेंगे कि वो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। मैं तो 5 में से पूरे 5 दूंगा, क्योंकि कचौरी तो मेरी फेवरेट है। ठीक है, तो डॉक्टर सागर आप अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? दोस्तों आप जब भी शेगांव आएंगे तब TR शेगांव कचौरी सेंटर पे ज़रूर आना और एक कचौरी का आस्वाद लेके देखना। सच में बहुत अच्छी टेस्ट थी, और डॉक्टर प्रमोद ने जैसे ही उसको रेटिंग तो दे ही दी है, फिर भी आप एक बार खुद टेस्ट कर लो। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्टर सागर कह रहे थे कि आप खुद टेस्ट करिए और उसके बाद आप बताइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अनजान जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए डॉक्टर सागर चलते हैं, बाय।